कंबा में लोबोम सोसाइटी के 50 इयर्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन नो ऑनरेबल सीएमसी गेस बालांगुन नरु है आना में लोबोम गद्दे 50 इयर्स में कितना याद गो अलना अगर हम इतू दी ओके आधे ना आलो किटी लो याद ना अगर हम ये दी हम लोबोम गद्दे 3 days कॉन्फ्रेंस हो की गला अल्ली बे मुनु डिस्कस ये ओके लोबम में बहुत ऑफिसर है पुलिस लोसिन कादू एडमिनिस्ट्रेशन लोसिन कादू इंजीनियरिंग डॉक्टर लोसिन कादू इजा लोबम गद्दम मो रिक्वेस्ट है इजा आदे ना ओमा गद्दम यो बे आईएस ऑफिसर बे आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बे मोचा हम अल्ली बे डिस्कस बे लगी दो ओके सोसाइटी दोलुरिंग में आगे हम सिन इबे पे लगी दो इट बे सिन आधे न ओमाओ लगा बे सीरियस बे लागे ला ओपन ओमाओ हम अल्ली बे पढ़ाई ला ओके अल ना इंटेलिजेंट ना टैलेंट ना ओमाओ कर दें अल्ली बे लोबम सोसाइटी का ला कॉम्पिटेटिव लो अल्ली बे कॉम्पिट दो बे इदो इबो लो अल दा एम गो मिदु ना ओके लोबम सोसाइटी है लोबम न्यू में कहाँ पे लगी माँ कब सोसाइटी हम सिन कहाँ पे लगी है सोसाइटी हम अल्ली बे शांति बे इनाम लगा बे लोबम में कब सोसाइटी हम सिन वेल कनेक्ट ला ओके गलो समाज हम सिन वेल कनेक्ट ला ओके अरुणाचल लगा बे आगे रिला इंडिया लगा बे आगे रिला पेमा खांडू सरकार के स्कीम हम ओके नरेंद्र मोदी के स्कीम हम निमा पेन लगा बे स्कीम गद्दम निमा पेन हम इजिला काजिला इबोलो सोसाइटी अच्छा होगा सो माय बेस्ट विशेस टू लोबम सोसाइटी ओके आदे ना अलवम सिन हम भाई लोबम सोसाइटी अल्ली बे अगर हम रिला का हम हो गए बेस्ट विशेस है थैंक यू सर थैंक यू सिलो लोबम वेलफेयर सोसाइटी के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आला मजा अलग मधुन है बोल विटनेस तो का सीएम सर ने चीफ गेस्ट में गप्पा हमला उन्हें गलो एमएलए का दम चिंग गप्पा ला मोचन चालू ला हम से मजा वे अलग प्रोग्राम कर दो गलो है ओके आदि है लेकिन गप लोबम लोरे बम ला बोलो जर्नी 50 इयर्स गो जा मन एक साथ रहला सिलो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन रुद पर इनमें मजे वाल दो गो बोल मुइस दो बोलो के रेपन ना मैं आधे ने अन्य आलो तो आरु अल्ला का ओके बोलो के आओगे तो पुरी पता चलना का निगम नितर रिला का अमतमी दोपाला का हम लोग वो इश्त हैं गोल्डन जुबली इस सेलिब्रेशन में मैं इंटर लोबम बासियों को मैं विश करता हूं कि इस 50 साल सेलिब्रेशन का बाद और हमारा लोबम से हमारा देश के लिए और हमारा प्रदेश के लिए और अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत सोसाइटी को लीड करने वाला और ऑफिसर्स और सक्सेसफुल यहां से लोग निकले और उसके बाद आज मैं यहां पे भी लोबम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में आके मैं बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना और हमारा जो जिस तरह से हमारा नॉलेज का हिसाब से आज हम यहाँ पे जो नॉलेज हम मिला है शायद ये क्लान ये लोबम क्लान का जो ये है ये हमारा गलो उसमें सबसे पुराना है मतलब 50 साल तक इस सोसाइटी को मेंटेन कर हमारा लोबम क्लान ने लेकर गया है तो इसलिए मैं सभी जितना भी इस 50 साल में जो जो इस कार्यकाल में जो जो इस 50 साल तक लाए हैं हम सभी को मैं विश करता हूं कि और इसी तरह लोबम सोसाइटी को आगे ले जाए तो इसी शब्द के साथ मैं वंस अगेन एंटायर लोबम सोसाइटी को मैं विश करना चाहता हूं कि आप पले भरे और समाज को लीड करें थैंक यू गो लोबम वेलफेयर सोसाइटी को 50 इयर्स गोल्डन जुबली में शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत ही अच्छा आयोजन था आज लोबम गोल्डन जुबली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हाँ ये हमको बहुत अपॉर्चुनिटी लग रहा है अपने आप को बहुत ही मतलब लक्की लग रहा है कि आज लोबम वेलफेयर का 50 इयर्स में हमको अटेंड करने मिला है और एज ए वाइफ ऑफ द प्रेसिडेंट हमने
काम करने मिला है, शुरुआत से हम साथ में दिया है, तो आज बहुत खुश लग रहा है कि हम सफल हो गया। मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना सारे हमारे MLAs CM के साथ में, हमारा MPs इतना हमारे लोबम का गोल्डन जुबली को और ज़्यादा और ग्लोरियस बना दिया सारे अटेंड करके। और उसके साथ में जो हुआ है, आज जो अनाउंसमेंट हुआ जो कम्बा एरिया के लिए, कम्बा सब थैंकफुल होना है कि एक मल्टीपर्पज हॉल उसके लिए CM ने 10 करोड़ दे दिया है। उसके लिए CM सर को भी थैंक यू और सब लोगों को भी थैंक यू, सबका मेहनत का वजह से, सबका हार्डवर्क का वजह से आज ये दिन देखना मिला। थैंक यू सो मच। प्रेसिडेंट पर सेक्रेटरी कौन था, किसने शुरुआत किया है, उसका रिवील करना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ है तो वो थोड़ा लेप्सिस हो गया, उसके लिए मैं भी बहुत खेद हूँ और दुखी हूँ। And what is your view on which point regarding this, the final, the first president, founder, secretary, something? Yes, it should be revealed or not? Yes, it should be revealed today. Your image should be in. We have not completed our program. It is going on since there is a VIP business, so we could not touch this point. Now our program will be continuing. So. After this Dulal Magwaz, after they gather, after their food, we'll start our program, and there only we'll reveal the foreigners, the founder, president, secretary of LWS. And you know very well that it was prior to 1974 also LWS was there, but formally by conducting such type of celebration in the year 1974. मेरा ओपिनियन है, ये जो 50 इयर्स का गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेशन है, वह आने वाला जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल बनेगा। तो इससे सोसाइटी में यूनिटी बरकरार रखने के लिए और भाईचारा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, ये मेरा ओपिनियन है। दोस्तों नमस्कार, मैं लोबम वेलफेयर सोसाइटी का 50वीं वर्षगांठ अटेंड करने आया हूँ कम्बा में। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मेरी जो धर्मपत्नी है वो डॉक्टर मोगम पाकम है, और उनका एक डांस का और एक ग्रुप डांस का प्रोग्राम है, तो हम लोग अटेंड करेंगे आज, और अच्छा लगा अटेंड करके। आप क्या चीज़ कमियाँ लगा और क्या चीज़ अच्छा लगा? नहीं, कमी तो ऐसा कुछ नहीं लगा, इनफैक्ट बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो इतना बड़ा प्रोग्राम को करने में कहीं थोड़ा बहुत कुछ कमी रह जाता है तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, ना कि उसको देख के क्रिटिसाइज करना चाहिए। बट मुझे अच्छा लगा, इतना बड़ा लार्ज स्केल में जो प्रोग्राम बनाया है बहुत खूबसूरत, काबिले तारीफ। तो आप जो है इधर अटेंड करने आया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका फाउंडर, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कौन था? मैं फाउंडर के बारे में तो बता पाऊँगा, मेरे ससुर जी हैं, ताकिन पाकम जी हैं। और मैं इतना भी बताना चाहूँगा, जब मेरा शादी का प्रस्ताव चल रहा था, सो इट वाज द लीजेंड मिस्टर ताकिन पाकम जो आके मेरे सासू माँ के साथ बैठे थे, और उनके बारे में, मेरे बारे में, मेरे होने वाले बीबी के बारे में बात कर रहे थे कि आगे कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। सो थैंक्स टू लेट ताकिन पाकम जी, एंड खुशी की बात है कि मेरे ससुर जी लोबम वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। थैंक यू सर। थैंक यू। President, as I know, is the late Sri Takin Pakam. He was the first in city, and Sri Nyunga Kamgo, he is the founding secretary, as I know. Jomde kato, okay, ngo parlo bangali galo sadhi to guati ba dudu. Emo yogo golden jubilee ga past ina. Aldabo in an amma lekker long yam dubam apu koring in a park of Mudumlo Gati or Kahadum Dukna. Oh, sir, you being a member of Lobom Welfare Society, today we are celebrating Golden Jubilee. My direct question to you is that who was the first founder, president, and secretary of Lobom Welfare Society? Oh, yes, this is a very, very important and very good question. The founder of Lobom Welfare Society was late Kuken Pakam, founder president, and this your general secretary was your say
Nyunge Kango Lobom. It was in the year 1974. I extremely feel honored for extending invitation to me and to my wife, Dr. Srimati Moja Katojini, on the auspicious occasion of 50th Golden Jubilee celebration of Lobom Day at Kamba. And it is a very nice feeling, and I share my wonderful feelings with every one of you. To all my relatives, Lobom Ato Ayo, Yingna, Barbo, and each one of you all. Thank you. So, you being a Magbo of Lobom, ab kya kehna chahenge Golden Jubilee ko leke? Kya message dena chahenge? Pichle saal 15th January 2023 mein maine सबको बोल दिया था कि कम्बा का जो गोल्डन जुबली लोबम ये का उसको अटेंड करेंगे, तो इसलिए मैं सबको प्रॉमिस कर दिया, अनाउंस कर दिया, इसलिए मैं आज आ गया हूँ। तो यहाँ आके देखा कि बहुत जितना एक्सपेक्ट मैंने किया था उससे कई गुना बहुत ही अच्छा हुआ। जो भी प्रोग्राम हुआ, बोले आपका अरेंजमेंट देखिए और डेलीगेट देखिए, मोर देन 4000 आ गया, और भी बहुत आते, लेकिन सबका कोई अपना अपना काम में कोई व्यस्त रहा। और मेरा जान पहचान लोग भी, ये गो लोग आतो लोग को मैंने अभी थोड़ा पहले भी कॉल किया था, इवन पासीघाट का वो तराम लोग मेरा जिसको दोस्त विजय तराम है, इनको भी मैंने कॉल किया, इनका पेमेंट भी कोई पूजा पाठ करके मतलब नहीं निकाल पा रहे। तो उसी हिसाब से मतलब कि लोगों में बहुत एक बड़ा क्लान है सब मिलजुल के। तो यहाँ आके जो एक्सपेक्टेशन था कि इतना नहीं होगा जितना गैदरिंग होगा, उससे कई गुना ज़्यादा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़ा क्लान के साथ रिश्ता जोड़ेगा। मैं तो सोचा वो काम वो एक मिला वही है सोचा, लेकिन इधर आके देख रहा हूँ लोगों में आप लोग का 15 सब ट्राइब्स है, टाइटल्स है, जो एक लोबम कला मिल के एक लोबम कलान बन रहा है। तो जैसे मेरा हम लोग का कमदर में जैसे होते हैं कि 19 हम लोग भी 19 कलान से, तो वो मिलके एक कमदर बन जाते हैं। आप लोग का भी उसी हिसाब से कि बहुत बड़ा ही लंबा छोरा ये है कलान मेंबर में। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और जितने भी मैनेजमेंट है अरेंजमेंट, और इसका जो लोबम का मैनेजमेंट टीम को कमिटी को देखा हूँ कि बहुत ही एक्सपर्ट, एकदम से मतलब एक्सपेक्टेशन का हिसाब से ही काम किया सब चीज़। मेरा नाम जुम्बिन नौशी, लोबम कितने 30। तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट या फिर सेक्रेटरी, यू मे बी नो द फाउंडर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ लोबम वेलफेयर सोसाइटी, बिकॉज टुडे इज द गोल्डन जुबली, यू हैव टू बी एटलीस्ट नो अबाउट। आई हैव नो आईडिया, सॉरी। व्हाई? आई हैव नो आईडिया, सॉरी। डू यू नो सर? I think Uji Pado Kembo Takin Pakam was the first president of Lobom and Welfare Society. Secretary का नाम हम थोड़ा सा भूल गया, दिल में तो याद है लेकिन नहीं निकल रहे सेक्रेटरी का नाम। तो आप सेक्रेटरी कौन? आप लोगों में तो फाउंडर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को तो मालूम होना चाहिए। वही थोड़ा गलती हो गया अभी, शायद ये इसका भी कमिटी का भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि एटलीस्ट फाउंडर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को एटलीस्ट आज जो है पब्लिकेशन कर देना चाहिए था। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज आप मालूम नहीं हो रहे? तो हाँ, एक्चुअली जो ये प्रोग्राम कराया गया है वो जो आई थिंक बहुत क्या बोलेगा, कहीं ना कहीं मतलब छूट भी गया ये सब चीज़ जो ना, जो हम लोग का यूथ लोग है जो बाहर से आता है ना, उनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं रहता है। तो फिर आई गेस वही कहीं ना कहीं में हम लोग को भी शायद थोड़ा सा, अगर बड़ा लोग भी हम लोग को थोड़ा बताने से तब थोड़ा जानना भी था होगा कहीं ना कहीं। लेकिन फाउंडर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कौन थे? लोबम फाउंडर प्रेसिडेंट तो सेक्रेटरी तो अश्विन गुमकांगो, प्रेसिडेंट
बिल्कुल जानना चाहिए लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा इसलिए। तो सर यू बीइंग ए सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोबम वेलफेयर सोसाइटी इवन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ लोबम वेलफेयर सोसाइटी, तो आज गोल्डन जुबली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली गोल्डन जुबली इज आवर अचीवमेंट ऑफ लोबम वेलफेयर सोसाइटी फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन हैज नॉट कम अप विद इन अ डे, हाउएवर इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई आवर फोर फादर्स ऑल्सो कल्मिनेटिंग दियर एफर्ट्स एंड विद द यूथ एंड यंगर जनरेशन ऑफ लोबम वेलफेयर सोसाइटी has just brought up one step ahead of our forefathers. And I think this Golden Jubilee celebration is one of the most memorable and historic occasion of our Lobom Welfare Society, and it will be remembered for years to come. जो है आप नवो मागबो के तौर पर आया है लोबम वेलफेयर सोसाइटी का ग्लोरियस एग्जिस्टेंस ऑफ 50 इयर्स, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जो कैपिटल आईसीआर कैपिटल रीजन का जितना भी लोग दूना मागबो ग्रुप है, हम लोग आया है अपना अतो आयो ईगोलू को मिलने के लिए। और खास तौर से ऐसा बहुत सा ये मागबो है बरबो है जो हम लोग नाम सुनता है मिलता नहीं है, और इसका मौका उठाते हुए उन लोग से भी मिलने का मौका मिलेगा। ओके, खास तौर से आपका जो दीदी है मेरा वाइफ और इनका मिसेस, उन लोग भी अपना बस्ती का अपना कम्बा सर्गिल का आलो का अन्याब दीदी बहन को जो शादी अलग अलग जगह में चला गया उसको भी बहुत मिलने का एक अवसर है ये है। और दूसरा जो है अतो लोबम से भी हम लोग का अटो है तो हम लोग ब्लेसिंग लेने आया है। ओके, लोबम मागबो बन के हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि अभी सीबीओ में अरुणाचल में बहुत सा कम कम्युनिटी है जो 50 इयर्स का गोल्डन जुबली मना रहा है, और आप लोग वन ऑफ द जैसे आज ऑनरेबल सीएम भी बोला है आप लोग फेयरनर से सबसे आगे आप लोग सोचा है ये बात को, बहुत लोग तो बाद में बनाया है, तो इसलिए हम लोग आज का हिस्टोरिक डे में हम लोग मिस नहीं कर सकता था। हम लोग भी इसका एक पार्ट एंड पार्सल है बींग ए लोबम मागबो, तो 50% तो हम लोग आपका ही मेम्बर है, इसलिए हम लोग भी इस खुशी का मौके में शामिल होने आए हैं। एक क्लान का बहुत रेयर ओकेजन है ऐसे 50 इयर्स मनाना, तो आजकल तो कोई अरुणाचल क्लान या में तो क्लान ऐसे पूरा उन्होंने आप बता नहीं कहते अभी तक तो कोई 50 इयर्स मनाया ना, लेकिन अभी ये हम लोग आज आके बहुत खुशी लगा है कि 50 इयर्स मना रहे हैं बोल के, और इतना हम लोग भी एकदम क्लान हम लोग का जैसे हम लोग का कार्य बहुत ये से बनाने में बहुत हम लोग का भी लेट हुआ, इसका इसमें आगे बहुत खुशी लगा और ये एक रेयर ओकेजन में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। तो वो आज आप जो है लोबम वेलफेयर सोसाइटी का गोल्डन जुबली जो ग्लोरियस एग्जिस्टेंस को विटनेस करने आया है एज ए मागबो, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोबम वेलफेयर सोसाइटी के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमको ये क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली ये लोबम जो है बहुत बड़ा एक क्लान है, क्लान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हम एज ए लोबम मागबो हमको इन्वाइट किया गया है ताकि उन लोग का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में हम भी शरीक हो, इसलिए हम भी आया है, हम मेरा मिसेस भी आया है। आप लोग के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम मारवा यमचा है, एक्चुअली बिलोंग करते हैं करका क्लान से और लोग खेके बोल के जाना जाता है, और मैं आशा करता हूँ कि ये हम लोग एक डाइवर्स सोसाइटी में रह रहा है तो एक दूसरे को हम लोग एनकरेज करना चाहिए एक दूसरे का सोसाइटी को, और हम एज ए मागबो लोबम सोसाइटी को जितना है हमको इन्वाइट करने के कारण हम बहुत खुश है। हम रियली आई एम ग्रेटिट्यूड, हम हर लोबम परिजनों के लिए मेरा ये दुआएं रहेगा कि उन लोग का पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी हो। थैंक यू।